सत श्री अकाल जी सारयां नूं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आस करता हूं कि अभी सारे ठीक ठाक होंगे। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन नूं दबा दे, जिहदे नाल तुहानूं साडे चैनल दे वधिया वधिया वीडियो मिलते रहन नोटिफिकेशन। अज दी जिहड़ी वीडियो आ बहुत लोगों के मतलब सवाल भी होंदे ने कि साड़ी गां जी ड्राई नहीं हो रही, भी असी किस तरह ड्राई करें इसको। तो आज मैं अपनी जो जैसे मैं अपनी गाय ड्राई करता हूँ मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। तो उसका ये है कि आज ना हमारी एक गाय ड्राई की थी हमने, जिसका 20 लीटर दूध था। तो उसको मैंने जैसे जैसे भी किया, मैं वो सारा वीडियो में बताऊँगा, आप एंड तक मेरे साथ बने रहना। पहले तो जो गाय थी उसको हमने 24 घंटे के लिए तूड़ी पर छोड़ दिया। वो पूरे तूड़ी पर हमने उसको रखा 24 घंटे के लिए और एक टाइम छोड़ के उसकी चवाई की। फिर 24 घंटे के बाद में हमने उसको मतलब दो टाइम छोड़ा और फिर उसकी चवाई की। फिर हमने उसको तीन टाइम छोड़ के फिर चवाई की। उसमें हमने ना 24 घंटे के बाद में जैसे थोड़ा थोड़ा साइलेज इंक्लूड कर दिया था, थोड़ा साइलेज मतलब 1 kg, 1.5 kg, फिर दूसरे दिन 2 kg, तीसरे दिन 3-4 kg, मतलब ऐसे ऐसे करके हमने थोड़ा साइलेज उसको इंक्लूड कर दिया था। और वो देखते रहे, हौली हौली वो दूध कमती रही, कम से कम हमारे 6 से 7 दिन लग गए ऐसे करने में। तो आज हम अभी भी ये जो ड्राई कर रहे हैं अभी भी चल रही है, इसमें हम जो भी ड्राई थेरेपी देते हैं उसके बारे में आपको मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि जो भी ड्राई थेरेपी अच्छे से करेगा उसके मतलब अगले सूए में, मैं एक वाक्य भी आपको बताता हूँ, जो अगले सूए में वो अच्छा दूध देगी। पहले आप गाय देखिए, उसके साथ साथ आप बातें करते हैं। ये जो हमने गाय है ये हमने अभी बांध रखी है, आप देख सकते हो। पहले तो उसकी क्वालिटी देखो, ये बीन्स वगैरह देखो आप, एक तो कि ये बड़ी जो आपको ब्रीड की चाहिए वो ऐसी बीन्स होनी चाहिए। और अब बताता हूँ कि आप क्यों देखिए, पहले तो सारी गाय देखिए, अब पहले मैं वाकया बताऊँगा। हमने 4-5 साल पहले, मतलब 6-7 साल की बात है, हमारी जो गाय थी ना वो अर्डर बनाकर नहीं सूती थी। वो जैसे ही उसका दिन पूरा हुआ लेकिन उसका अर्डर नहीं डेवलप होता था। तो उसके लिए जो हम बहुत दुविधा में फंसे, और हमारे फॉर्म पे जब PDFA का मेला लगा था तो वहाँ से एक जो, क्योंकि हम PDFA का सामान यूज़ करते हैं, तो हमने वहाँ पे जो एक गोरा आया था उससे मतलब ये हमारी प्रॉब्लम बताई। तो उसने हमें कहा कि आपका जो सोमैटिक सेल काउंट है वो बढ़ा हुआ है, तो आप उसको थोड़ा पहले कम करें तभी फिर इसको ड्राई करें। हमने उस टाइम एक किनोमिंट कंपनी थी, अभी भी चल रही है, उसकी एक मशीन आती थी, वो सोमैटिक सेल काउंट करके गए, तो वाकई में वो सोमैटिक सेल काउंट बढ़ा हुआ निकला। तो हमने उससे जो भी गोरे ने हमें बताया वैसे ही हम इसको ड्राई करते हैं। अभी दिखाते हैं आपको कि हम कैसे ड्राई करते हैं। वो सोमैटिक सेल काउंट है जो, वो कम होना चाहिए जब इसको ड्राई करते हैं। वो कैसे कम होगा उसका पूरा वीडियो के साथ जुड़े रहे। आप देख सकते हो पिछले साल भी दिखाया था, MSD कंपनी की ये कैप्राविन ट्यूब है, कैप्राविन। ये कम से कम अभी तो महंगी हो चुकी हैं क्योंकि कंपनी ने काफ़ी मार्जिन इंक्रीज कर दिया है, मार्जिन सॉरी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। तो अभी हमारा बंदा इसको जो खोल खोल ये देख सकते हो, जो इनका जो क्लीन करने वाला होता है इसको आप क्लीन करो पहले, क्योंकि जो भी जो अपना कीटाणु वगैरह इसके थन के अंदर ना जाए और उल्टा
आप ठीक करते करते कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर लें। ये देख सकते हो आप, ये अच्छे से क्लीन हो रहा है। इसके जो टीथ के मूरे का चीज़ है वो उसको क्लीन कर रहे हैं। और ये अभी सारा क्लीन होगा क्योंकि चारे थनों के लिए चारे अलग अलग से स्पिरिट में भगोए हुए मिलते हैं। और इसको आप ऊपर वाला इसको जो नीचे, क्योंकि हाथ वगैरह हमने क्लीन करवा रखे हैं। और देखिए ये थोड़ा सा ही आपने निकालना है और अब इसके थन में वो आपने डाल देना है। ये देख सकते हो ये आपने पूरा हाइजीन का ध्यान रखना है जिससे ये अच्छे से ड्राई हो। से इसमें से चारे थनों में ये डालते रहो। अब डालते ये चारे थनों में डलेगी, जो सोमैटिक सेल काउंट है वो, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक से ये कम होगा। जब ये एंटीबायोटिक से कम हो जाएगा तो इसका सोमैटिक सेल काउंट घट जाएगा और ये अपने आप दूध इसका सूख जाएगा और एक अच्छे से ड्राई हो जाएगी और ये अपने जो अगले साल पूरा अडर है वो बना देगी। और जो उसकी ज़्यादा बढ़ती है, मतलब दूध बढ़ेगा उससे, जो एक तरफ से अच्छे से ड्राई होगी तो आपकी जो गाय है वो पूरा अच्छा दूध देगी सारा साल। तो अभी BCS भी इसका ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब ये ड्राई हो रही, ड्राई ट्यूब चढ़ चुकी है। ये कम से कम 62 दिन तक ये इसके अडर में काम करेगी। और कंपनी का तो 62 दिन का कहना है, क्योंकि हमारे पास एक दिन नेस्ले के डॉक्टर आए थे, वो हमें बता रहे थे कि ये 90 डेज तक ये दूध में रहती है, क्योंकि वो बेबी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। तो जो भी नेस्ले में दूध डालते हैं वो कैप्राबिन ना चढ़ाएं, क्योंकि वो नेस्ले के डॉक्टर की सहायता से ही वो काम करें, जो मतलब वो कहेंगे वो करें, क्योंकि किसी का दूध का नुकसान होगा तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हम अमूल को वगैरह को दूध देते हैं तो उसमें तो हम बस जो इसकी बॉली वगैरह होती है 6-7 दिन इसमें नहीं डालते, क्योंकि वो बच्चों को पिला देते हैं। और जो भी मतलब नेस्ले वाले हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह करके ही ये ड्राई थेरेपी करें। अब जो ड्राई करने के लिए, मतलब ये देखिए गन वगैरह तैयार है, वैसे ही हम इसको बोलस देंगे देख सकते हो। ये जो गन है वो एक तरीके से देनी तो औखी हो जाती है, क्योंकि एक ये देख सकते हैं पूरी गन गई और इसको दबा दिया। ये एक तरह से पूरी तरह से वो हो चुकी है। नहीं नहीं रुको, अब इसको, ये तो हो गया हमारा ड्राई थेरेपी। और दूसरा, जो जब ड्राई करते हो आप तो आपने एक इंजेक्शन है वो आपने अपनी डॉक्टर के सलाह से देना है, क्योंकि मेरे को जो मेरा डॉक्टर बताता है मैं तो वो ही करता हूँ। जो एनरोफ्लॉक्सासिन LA आती है, मतलब लॉन्ग एक्टिव एनरोफ्लॉक्सासिन आती है, वो एक आज, एक 72 आवर बाद, मतलब 72 घंटे के बाद में, एक अब उसको 2 टीके लगाने हैं और ये अपने आप अच्छे से ड्राई हो जाएगी, चाहे आप 20 लीटर पे ड्राई कर दो। जेकर फिर भी आपकी कई बार गाय नहीं होती ड्राई तो होम्योपैथी आती है डॉक्टर गरेवाल की, जौहन की, जा शुक्ला की, उससे लेके आप ड्राई कर सकते हो। लेकिन जो ये थेरेपी मैंने आपको बताई है इससे बड़ी अच्छी से ड्राई हो जाती है गाय। तो इसमें जो भी मतलब हमने ड्राई थेरेपी में आपको बताया, जो ऐसे करोगे तो आपकी सारी गाय ड्राई होगी अच्छे से और अगले बार में अच्छे से दूध देगी।
जो सोमैटिक सेल है काउंट की बात है वो मैं आपको अच्छी वीडियो बनाऊंगा एक, जिससे आपको बड़ी नॉलेज प्राप्त होगी। तो ये हमारी ड्राई हो चुकी है, अब इसको हमने 10 दिन हो गए छोड़े को, आज इसको हमने थोड़ी अचार डाला है और थोड़ी तूड़ी डाली है और इसमें 1 किलो फीड ऐड किया है। जो फीड का फार्मूलेशन है वो भी मैं इसकी वीडियो में ऐड कर दूंगा, क्योंकि पिछले साल वाला ही हम फीड फार्मूलेशन चला रहे हैं, तो इसमें वो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जो भी मतलब जब ये पूरी अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो इसको हम 13-14 किलो तक साइलेज देंगे और 4-5 केजी तक फीड देंगे। और जो तूड़ी है वो आपने जो मतलब जो तूड़ी होती है मतलब कनक की वो स्ट्रॉ बीट स्ट्रॉ, वो आपने कम से कम 3 केजी तक इसको खिलानी है, जो इसकी अच्छे से सफाई हो सके। तो हमने इस वीडियो के एंड में फीड का फार्मूलेशन भी दे रखा है और जो भी मतलब फीड अच्छी न्यूट्रिशन वाली फीड है वो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि हम कर रहे हैं। और दो चीज़ और, एक तो प्री मिक्स जो वैसे PDS का आता है वो बड़ा अच्छा है, जेकर वो यूज़ करना है तो भी अच्छा है, कोई और कंपनी का भी है तो, पर वो आपने उसको ड्राई वाला कह कर लेना है, क्योंकि उसमें कैल्शियम फास्फोरस कैल्शियम और थोड़ा मतलब अवॉइड किया जाता है, तो उसमें सोर्स कोई और लिया जाता है जैसे। तो दूसरी बात, जो ड्राई में सबसे अच्छी चीज़ है वो है बायोटिन, क्योंकि बायोटिन से ही जो अडर की रिपेयर होती है, तो जो इसके टिश्यू सेल हैं उनको अच्छा करती है और आगे के लिए उनकी रिपेयर करके अच्छे से वो मतलब अडर को बढ़िया बड़ा बनाने में और काफ़ी चीज़ों में वो हेल्प करती है। तो वो भी चीज़ आप ज़रूर डालें और थोड़ा हरा पट्टा को अवॉइड करके आप जो साइलेज है उसका उस वो दें, जिससे जो आपकी गाय अच्छे से ड्राई हो और आगे लैक्टेशन में अच्छा दूध दे। ये 2-3 चीज़ें हैं अभी ड्राई में कर सकते हो। तो इसके बाद मैं ट्रांजिशन की वीडियो बनाऊंगा, उसका भी वैसे करेंगे। जेकर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और एक बात, ये जो बड़े किसान हैं वो तो इस फार्मुलेशन को आप मतलब फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो किसी भी कंपनी कारगिल आशीष डीहूज जो भी ब्रांडेड कंपनी है उनकी ड्राई फीड आती है वो उस पर ही कर ले, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए उनको, थोड़ी मात्रा में चाहिए थे तो वो ड्राई फीड को ही यूज़ करें। और जो उनके डॉक्टर टेक्नीशियन आपको उसका वैसे साइलेज के साथ किसी भी चीज़ के साथ उसका मैचिंग करके देते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपको जो जो चीज़ मैंने ड्राई में बतानी थी, कुछ मिस भी हो सकता है लेकिन सब कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन जेकर आप ऐसे ड्राई करोगे तो आपके जो पशु हैं वो सभी तंदुरुस्त होंगे और अच्छे रहेंगे और एक अच्छी डाइट से पलेंगे, उसका BCS वगैरह पूरा होगा। और जेकर आप छोड़ने की बात करते हो, काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, ये मैं बहुत बाल भूल गया था बताना, क्योंकि 2.5 मंथ इनको छोड़ो, जो हाई हील्ड जानवर हैं जो मतलब नॉर्मल है उनको आप 2 महीने भी छोड़ सकते हो, लेकिन इनको प्रॉपर 2.5 महीने छोड़ो, क्योंकि पहले 5-7 दिन ड्राई में लगाओ, फिर उसके बाद में जो 2.5 मंथ बचते हैं उसमें इसको पूरा ड्राई करो, जिससे इसका BCS पूरा हो जाएगा, मतलब बॉडी स्कोर पूरा हो जाएगा और एक अच्छी हेल्दी गाय बन जाएगी, क्योंकि जब आप वो सूएगी तो उसमें थोड़े दिनों में कम खाती है तो वो अपने वो एनर्जी वो फैट यूज़ कर लेगी तो, और आगे उसका BCS लो नहीं होगा, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा आपने ज़रूर उसका BCS रखना है। तो ये सारी ड्राई की चीज़ें हैं। जेकर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सभी का धन्यवाद।